आईपीएल 2023 के एडिशन की शुरुआत में अब भी यहाँ पर काफी समय बचा है, लगभग 3-4 महीने का समय बचा है। लेकिन आईपीएल 2023 के एडिशन से पहले अब बीसीसीआई ने इस आईपीएल एडिशन को और भी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए अब इस आईपीएल एडिशन के लिए यहाँ पर आईपीएल 2023 के एडिशन के लिए यहाँ पर अब 5 नए नियम अब आईपीएल में अप्लाई कर दिए। 5 नए नियम आईपीएल में अब लागू हो चुके हैं। मैं इस वीडियो में डिटेल में आपको उन सभी नियमों के बारे में बताऊंगा। आपको बताऊंगा कि बीसीसीआई ने ऑक्शन और आईपीएल 2023 के एडिशन में यहाँ पर कौन से 5 नए नियम आखिर लागू कर दिए, कौन से 5 नए नियमों के साथ आईपीएल का यहाँ पर ऑक्शन या फिर आईपीएल 2023 का एडिशन हमें देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर इस वीडियो में डिटेल्ड में इंफॉर्मेशन मिलेगी, काफी इंटरेस्टिंग ये वीडियो होगी, तो आप इस वीडियो को अंत जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी ये क्रिकेट के बड़े फैन तो हमारी इस वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको क्रिकेट से जुड़ी जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। अब हम बात कर लेते हैं आखिर बीसीसीआई ने कौन से 5 नए नियम आईपीएल 2023 के एडिशन के लिए और आईपीएल ऑक्शन के लिए अब अप्लाई कर दिया। इनमें सबसे पहला नियम जो आता है वो आता है यहाँ पर इंपैक्ट प्लेयर को लेकर। दरअसल आईपीएल इतिहास में पहली बार आईपीएल में इंपैक्ट प्लेयर का नियम लागू किया गया। इंपैक्ट यहाँ पर प्लेयर अब आईपीएल 2023 के एडिशन में अब टीमें यूज कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल मुंबई के लिए अगर यहाँ पर जोफ्रा आर्चर का स्पेल सही नहीं होता है, पहले ओवर में 20 रन जोफ्रा आर्चर खा लेते तो मुंबई की टीम जोफ्रा आर्चर को किसी और प्लेयर से रिप्लेस कर पाएगी। कुल मिलाकर जो प्लेयर प्लेइंग 11 का भाग नहीं है उस प्लेयर से भी जोफ्रा आर्चर को मुंबई की टीम रिप्लेस कर सकती है। हालांकि इसके बाद जोफ्रा आर्चर उस मैच में एक भी ओवर गेंदबाजी नहीं कर पाएंगे। उस मैच में यहाँ पर आर्चर एक बार भी फील्ड पर नहीं आ पाएंगे, लेकिन आर्चर की जगह बचे हुए 3 ओवर मुंबई की टीम जिस भी प्लेयर को चूज करेगी वो प्लेयर यहाँ पर गेंदबाजी कर सकता है। इसके साथ ही बल्लेबाज के तौर पर भी इस प्रकार से यहाँ पर यूज किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल ईशान किशन अगर काफी स्लो स्टार्ट करते हैं, 20 बॉलों में 20 रन पर वो रहते हैं तो मुंबई की टीम किसी और बल्लेबाज को उनकी जगह भेज सकती है। लेकिन इसके बाद ईशान किशन उस मैच में ना ही बल्लेबाजी कर सकते ना ही फील्डिंग कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर इंपैक्ट प्लेयर के नियम का यूज केवल 14 ओवर से पहले किया जाएगा, 14 ओवर के बाद इस नियम का यूज नहीं किया जाएगा। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग ये सही नियम है या फिर नहीं। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे नियम की। तो जो दूसरा नियम निकल कर आता है वो आता है 5 ओवरसीज प्लेयर्स को लेकर। दरअसल प्लेइंग 11 में अब 5 ओवरसीज प्लेयर हमें देखने को मिलेंगे, जहां पर बीसीसीआई इस साल यहाँ पर 5 ओवरसीज प्लेयर्स का अब यहाँ पर नियम लाने की प्लानिंग में। हो सकता है कि यहाँ पर जनवरी में इस नियम की अनाउंसमेंट हो जाए, जनवरी में पता चल जाएगा कि बीसीसीआई इस नियम को आखिर किस प्रकार से अलाउ करेगी। 5 यहाँ पर ओवरसीज प्लेयर्स में हो सकता है कि यहाँ पर बीसीसीआई इस प्रकार से नियम बना देगी। 5 विदेशी खिलाड़ियों में यहाँ पर 4 विदेशी खिलाड़ी तो यहाँ पर नॉर्मली जो हम देखते हैं उस प्रकार से रहेंगे और 1 विदेशी खिलाड़ी यहाँ पर एसोसिएट नेशन का होगा। फॉर एग्जाम्पल आयरलैंड, नेदरलैंड या फिर स्कॉटलैंड इस प्रकार की कंट्री का एक यहाँ पर विदेशी खिलाड़ी होगा। इस प्रकार से बीसीसीआई अब जनवरी में इस नियम की अनाउंसमेंट करेगी। इसके बाद जो तीसरा नियम अब यहाँ पर ऑक्शन में लागू होने वाला है वो यहाँ पर होने वाला है करंटली यहाँ पर सिटिंग मैनेजमेंट को लेकर। दरअसल ये नियम बीसीसीआई ने आईपीएल ऑक्शन में पहली बार लागू किया। इस नियम के तहत ऑक्शन टेबल पर मिनिमम एक टीम केवल 4 ही मिनिमम एक टीम को 4 मेंबर्स यहाँ पर बिठाने पड़ेंगे और मैक्सिमम एक टीम एक फ्रेंचाइजी ऑक्शन टेबल पर 10 मेंबर्स को बिठा सकती है। फॉर एग्जाम्पल मुंबई की टीम यहाँ पर मैक्सिमम एक अपनी यहाँ पर ऑक्शन टेबल पर केवल 10 ही मेंबर्स को बिठा पाएगी और मिनिमम 4 मेंबर्स को बिठा सकती है। और अगर कप्तान को भी यहाँ पर ऑक्शन में बिठाती है तो एक मेंबर कम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर चेन्नई के लिए एमएस धोनी यहाँ पर ऑक्शन में बैठते हैं तो केवल 9 ही मेंबर्स यहाँ पर ऑक्शन में चेन्नई के लिए बैठ पाएंगे। इस प्रकार का नियम यहाँ पर लागू कर दिया। इसके साथ ही ऑक्शन में मोबाइल को यहाँ पर बैन कर दिया गया। मोबाइल का ऑक्शन में यूज नहीं किया जा सकता, मोबाइल से कम्युनिकेशन ऑक्शन के दौरान नहीं की जा सकती। ये नियम भी बीसीसीआई ने अब लागू कर दिया। इसके बाद जो नियम निकल कर आता है वो आता है यहाँ पर 3D लाइटिंग को लेकर। दरअसल आईपीएल 2023 के एडिशन में हमें 10 स्टेडियम में आईपीएल देखने को मिलेगा। होम और अवे मैचेस का अब कंसेप्ट रहेगा। तो उन 10 स्टेडियम को अगर हम बात करते हैं 10 स्टेडियम की, तो ईडन गार्डन, वानखेड़े, इन 10 स्टेडियम्स को अब बीसीसीआई 3D लाइटिंग यहाँ पर इन स्टेडियम में कराएगा। कुल मिलाकर हमने देखा है कि इंडियन स्टेडियम में लाइटिंग कम होती है, लेकिन 3D लाइटिंग के बाद जिस प्रकार से बिग बैश लीग में लाइटिंग होती है उसी प्रकार की यहाँ पर काफी अधिक लाइटिंग हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो कुल मिलाकर जिस प्रकार से बिग बैश लीग में स्टेडियम होते हैं लाइटिंग होती है, उसी प्रकार से आईपीएल में हमें लाइटिंग और स्टेडियम देखने को मिलेंगे। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग ये बीसीसीआई का सही फैसला है या फिर नहीं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर 5वां और आखिरी नियम की। तो जो 5वां और आखिरी नियम बीसीसीआई जो यहाँ पर इस आईपीएल एडिशन में यहाँ पर अप्लाई कर रही है वो कर रही है यहाँ पर पैक्ड स्टेडियम को लेकर। दरअसल हमने देखा कि आईपीएल के दौरान बारिश के काफी अधिक चांसेस होते हैं, जहाँ पर मई और इस बार तो यहाँ पर जून के महीने तक आईपीएल चलेगा। तो जून में और मई में यहाँ पर बारिश होने के कुछ चांसेस होंगे, जहाँ पर मई के आखिर तक ऑलमोस्ट आईपीएल चलेगा। तो इस वजह से बीसीसीआई यहाँ पर आईपीएल के प्लेऑफ्स के मुकाबलों के लिए यहाँ पर पैक्ड स्टेडियम का प्रयोग कर सकता है। कुल मिलाकर स्टेडियम्स को टेम्परेरी पैक्ड किया जा सकता है, यानी मैच के दौरान स्टेडियम को पैक किया जा सकता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में एक स्टेडियम को परमानेंटली पैक किया गया तो उस स्टेडियम का कोई भी यूज नहीं है। तो कुल मिलाकर बीसीसीआई अब जो प्लेऑफ्स के 3 से 4
स्टेडियम होंगे उन स्टेडियम को यहाँ पर टेम्परेरी पैक कर सकता है। कुल मिलाकर अगर मैच के दौरान बारिश आ जाती है तो स्टेडियम के ऊपर छत आ जाएगी और बारिश हटने पर यहाँ पर छत हटा दी जाएगी। इस प्रकार से यहाँ पर टेम्परेरी अब स्टेडियम को पैक किया जाएगा। तो कुल मिलाकर ये 5 नियम इस साल का IPL एडिशन और IPL ऑक्शन में हमें देखने को मिलेंगे। आप कमेंट करके बताइए आपको सबसे बढ़िया कौन सा नियम लगा और सबसे बेकार आपको कौन सा नियम लगा, आप कमेंट जरूर करें। इसके साथ ही हमारी इस वीडियो कर लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।